उत्तर प्रदेश में बेखौफ व निडर अपराधियों की एक और वारदात। मामला इलाहाबाद थाना कैंट के राजापुर बाजार में सरेआम एक व्यापारी पर जानलेवा हमला हुआ। ये हमला उस वक्त हुआ जिस वक्त बाजार में अच्छी खासी भीड़ थी। वैसे भी राजापुर सबसे व्यस्त बाजार के रूप में जाना जाता है, लेकिन अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं था और इस घटना को अंजाम दे दिया। आपको बता दें कि राजापुर में दोपहर तौसीफ अपनी दुकान पर बैठा हुआ था कि अचानक कुछ शख्स आए और कुछ बहसबाजी हुई, जिसके बाद हमलावरों ने तौसीफ के ऊपर फायर झोंक दिए। शॉप पे बैठा था, एकदम से तीन गोली की आवाज आई, फाड़ फाड़ एकदम से चली। पहला शॉट सुना तो मैंने लगा कि किसी का टायर बस गया, लगातार दो आवाज और आई। जब तक मैं बाहर निकला तीन लोग इधर से भागते हुए दिखे और उधर गोली चली। कौन यही? अब किसने मारा ये? कोई घायल हुआ उसमें? एक आदमी को घायल, एक आदमी को। अपना नाम बताइए। सुल्तान है। गोली तौसीफ के सीने में लगी, जिससे तौसीफ जमीन पर गिर गया और मौका देखकर अपराधी फरार हो गए। गोली की आवाज से जब लोग दुकान की तरफ भागे तो देखा तौसीफ खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था, जिसको लेकर लोग अस्पताल की तरफ भागे। तौसीफ अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच जंग लड़ रहा है। मौके पर SPCT के साथ कई थानों की फोर्स पहुंची और CCTV DVR को अपने कब्जे में लेकर जांच कर रही है। इलाहाबाद में लगातार अपराधी हावी हो रहे हैं। एक तरफ योगी जी अपराधियों को लगातार चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन लगता है कि उनकी चेतावनी अपराधियों के कानों तक नहीं पहुंच रही है, जिसका खामियाजा आम पब्लिक को उठाना पड़ रहा है। इस मामले में CCTV फुटेज में हमलावरों की पहचान कर लिया गया है, जिसका नाम जावेद और बाबुल है। पुलिस के मुताबिक कुछ साल पहले सऊदी जाने को लेकर पैसे का लेन देन इन दोनों के बीच हुआ था। उसी पैसे को लेकर यह विवाद इतना बड़ा हो गया कि आज बाबुल और जावेद ने तौसीफ को सरेआम गोली मार दी। ये घटना हुई है, क्या घटना है? क्या देखिए, तौसीफ नाम का एक लड़का है, उसकी जो है इनके 3 साल से जो है कुछ विवाद चल रहा था। विवाद तो क्या था, मतलब 3 साल पहले इन्होंने जो है, जो इनके भाई का बताना है कि एक बाबुल है और एक जो है जावेद है उनके पिताजी। तो बाबुल को ये लोग जो है सऊदी भेजे थे और उसी में बाबुल अब जब वापस आया था तो वो कह रहा था कि हम कंपनी से भी निकाल दिया है तो अब हमको अपना रुपया वापस दो। तो उसी को लेकर के इनका कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। उसी के दौरान आज सुबह जो है जावेद और बाबुल आए थे इनकी दुकान पे, जो घड़ी की दुकान है, और आकर के जो है कुछ इनके साथ में हॉट टॉक हुई थी। उसके बाद 2 बजे फिर 4 या 5 लड़के आए हैं और आकर के जो तौसीफ है उसको गोली मार दी है। उसके जो है लेफ्ट साइड में जो है चेस्ट में अभी बुलेट इंजरी है और अभी क्रिटिकल नहीं है, पर अभी जो है एक्सरे करवा करके और आगे की मेडिकल की कार्रवाई करवा रहे हैं। और ऑलरेडी इसमें 2 टीम जो है, हम लोगों ने बेली गांव का रहने वाला है जावेद और बाबुल, तो वहां पे उसे घर पे छापेमारी के लिए भेज दिया है।